जय माता दी मित्रों, मेरा नाम है पंडित प्रकाश जोशी और स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो। आज मित्रों आज हम चर्चा करेंगे फरवरी 2020 यानी फैब 2020 के राशिफल के बारे में। और राशिफल जानने से पहले मित्रों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें सबसे पहला चीज़, और नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर दबा दें। मित्रों आज हम चर्चा करेंगे फरवरी में 12 राशियों का क्या हाल होने वाला है, कैसी रहेगी उनकी धन की स्थिति, परिवार की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति और उनके कार्य की स्थिति, इस बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले फरवरी के व्रत और त्यौहार के बारे में मित्रों जान लेते हैं। पहला 5 फरवरी को मित्रों जया एकादशी है, 6 फरवरी को प्रदोष व्रत है, 9 फरवरी को माघ पूर्ण माह है और 12 फरवरी को संकष्टी चतुर्थी है और 13 फरवरी को सूर्य महाराज कुंभ राशि में जाएंगे। 19 फरवरी को देखा जाए तो विजया एकादशी है, 20 फरवरी को प्रदोष व्रत है, 21 फरवरी को महाशिवरात्रि मासिक है और 23 फरवरी को अमावस्या है। साथ ही साथ ग्रह गोचर के बारे में भी बात कर लेते हैं कि फरवरी में कौन कौन से ग्रहों का गोचर है। सबसे पहला गोचर फरवरी के अंदर 7 फरवरी को मंगल देव जा रहे हैं धनु राशि के अंदर सबसे पहला। उसके बाद आपका एक और ग्रह जा रहा है, वो है आपका शुक्र ग्रह, वो मीन राशि में जा रहा है, वो भी 3 फरवरी को, दो ग्रह हो गए। तीसरा जो है 13 फरवरी को सूर्य जो है कुंभ राशि में जा रहे हैं। और चौथी की बात करें तो चौथा जो है आपका 17 फरवरी को बुध देव वक्री हो रहे हैं। तो ये था आपका मासिक कैलेंडर और फरवरी का ग्रह गोचर। अब बात कर लेते हैं राशियों के बारे में जिसका आप महीने भर इंतज़ार करते हैं। चलिए राशियों की बात करते हैं, बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो सबसे पहले उनके ग्रह गोचर के बारे में बात कर लेते हैं। लग्न में सूर्य शनि और चंद्रमा विराजमान है, द्वितीय स्थान में बुध और शुक्र विराजमान है, तृतीय स्थान में राहु, छठे स्थान के अंदर राहु विराजमान है और कहीं ना कहीं लाभ भाव के अंदर मंगल विराजमान है और व्याय भाव में गुरु और केतु विराजमान है। मित्रों सबसे पहले बात कर लेते हैं मकर राशि वाले जातक और जातिकाओं के स्वास्थ्य के बारे में। तो मकर राशि के जातक और जातिकाओं को फरवरी के महीने में स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां झेलनी पड़ेगी। 3 तारीख से 23 तारीख तक हेल्थ में आप होने वाले हैं परेशान। नेत्र की परेशानी, पीठ दर्द की परेशानी, सर दर्द की परेशानी, पैर से संबंधित हाथ पैरों में दर्द की परेशानी और मन खराब आपका 3 तारीख से लेकर 23 तारीख तक रहने वाला है। धन की बात करें तो धन भाव में सूर्य बुध और शुक्र विराजमान है, तो आपका जो रुका हुआ मकर राशि वालों का धन है, एक तो धन आने वाला है पहला चीज, ये शुभ सूचना आपको मिलने वाली है और धन आपका आएगा भी और जाएगा भी। जाएगा आपका किसी पारिवारिक फंक्शन के अंदर या पारिवारिक जो स्थितियाँ उसके अंदर आपको आपका धन खर्च भी होगा, जैसे शादी से संबंधित काम या आप कोई वाहन खरीदने वाले हैं या आप कोई नया कुछ डिवाइस खरीदने वाले हैं तो वहाँ पर आपका धन खर्च भी होने वाला है, लेकिन धन मकर राशि वाला का फरवरी में अच्छा आने वाला है। साथ ही साथ विद्यार्थियों की अगर बात करें तो विद्यार्थी खासकर वो जो इंजीनियरिंग से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, जो 10th क्लास में हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि उनको अपने क्रोध में फरवरी के महीने में ध्यान देना है, क्योंकि फरवरी के महीने में दोस्तों से लड़ाइयाँ ज़्यादा होंगी, हाथ पैर अब लड़ाइयाँ ज़्यादा होंगी, हो सकता है कि लड़ाइयाँ हाथ पैरों से हो और आपको कहीं थोड़ी सी चोट आ जाए, इसलिए आपको थोड़ा धैर्य से काम लेना है, क्योंकि युवा खून गर्म खून होता है मित्रों, इसलिए आपको धैर्य रखना है, नहीं तो आपकी जो साल से आप जो एग्ज़ाम के लिए मेहनत कर रहे हैं मित्रों वो मिट्टी में मिल जाएगी, इसलिए आपको थोड़ा धैर्य रखना है। साथ ही साथ जो मकर राशि वाले जातक और जातिका है, इनका फरवरी के महीने में भूमि से संबंधित कोई शुभ समाचार काम होने वाला है, या तो आपको जो रुका हुआ प्रॉपर्टी से रुका हुआ जो सिलसिला था उसमें कुछ लाभ नज़र आएगा, या फिर आप प्रॉपर्टी खरीदने की बड़े समय से विचार कर रहे थे तो वो भूमि का योग आपका फरवरी के महीने में बना हुआ है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो फरवरी के महीने में ट्राई जरूर करें। संतान भाव की बात कर ले तो मकर राशि के जातक और जातिकाओं को संतान संबंधी सुख बहुत अच्छा फरवरी के महीने में प्राप्त होने वाला है। एक तो संतान का कोई मांगलिक कार्य होने वाला है, या तो रोका कोई सगाई या कोई ना कोई उनको
चीज पर नौकरी में कोई ना कोई उनको शुभ समाचार प्राप्त होगा। जी दांपत्य सुख के स्वामी है चंद्रमा, और चंद्रमा कहीं ना कहीं सूर्य शनि और चंद्रमा एक साथ विराजमान है, तो कहीं ना कहीं दांपत्य सुख में पति पत्नी के बीच में लड़ाई ज़्यादा होंगी या सास बहू के बीच में लड़ाइयाँ ज़्यादा होंगी, जिसमें आपका भी इन्वॉल्वमेंट होगा और पूरे घर में फरवरी के महीने में थोड़ा सा तनाव क्लेश का माहौल घर में रह सकता है। साथ ही साथ आप बात कर लेते हैं काम के बारे में, तो मकर राशि वाले जातक और जातिकाओं की अगर काम की अगर हम बात करें तो काम में राजयोग बन रहा है। सप्तम जो काम का स्वामी है शुक्र, वो बुध के साथ में धन भाव में बैठा हुआ है, तो एक तो काम के अंदर खासकर व्यापारियों को जो भी काम फरवरी में करेंगे उनको नेट पैसा उसका मिलेगा न, और व्यापारियों को फरवरी के महीने में नया प्रोजेक्ट भी मिलेगा जिसमें भी उनको पैसा मिलेगा। बात कर लेते हैं नौकरी वालों की, तो नौकरी वालों के लिए जो फरवरी में जो महीना है वो कहीं ना कहीं आपका कुलीग, आपका बॉस, आपका वर्कर आपके साथ में अप्रिशिएट जरूर करेंगे, लेकिन आपके लिए फरवरी का महीना सामान्य फलदायक है। तो मित्रों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, जय माता दी।